नाजरीन पाकिस्तान की उम्मीदें रंग ले आई। पाकिस्तान की अवाम बड़ी शिद्दत से ये चाह रही थी कि किसी तरह इंडिया यूएसए को हरा दे ताकि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के चांसेस बने रहें। पाकिस्तान की आज ये उम्मीदें वाबस्ता थी इंडिया के साथ, पाकिस्तान डिपेंड कर रहा था आज इंडिया के ऊपर, और फाइनली आज इंडिया जो है वो पाकिस्तान की उम्मीदों पर पूरा उतरा है। इंडिया ने पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम का मान रखा है, उनके दिल रखे हैं, उनके जज्बात जो हैं वो रखे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कामरान और वलीद मौजूद हैं। कामरान, क्या कहोगे, हम जो चाहते थे वो हो गया, हमारी दुआएं रंग ले आई, आज इंडिया ने यूएसए को बुरी तरह मात दे दी है। यार सीधी सी बात है, आज इंडिया ने बता दिया है कि यूएसए की क्या औकात है जो पाकिस्तान नहीं दिखा पाया। मतलब पाकिस्तान वो टीम है जो 159 रन करती है और यूएसए उसको चेस कर लेता, लेकिन और पाकिस्तान मैच भी आ जाता है, लेकिन आज इंडिया ने या आप उनसे कर्जा ले सकते थे या मैच जीत सकते थे। ठीक है, मैच तो जीतना जरूरी है ना, हम मैच दे के पैसे ले लिए, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? बिल्कुल, यही डूब मरो, लाना था तुम पे पाकिस्तान पे डूब मरे। बिल्कुल, ये भी है, देखिए ये पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को गालियां निकाल रहे हैं पाकिस्तान की टीम के अंदर रह के, ये पाकिस्तानी टीम ने लोगों का हाल कर दिया। देखिए पाकिस्तान की टीम जो एक एक इंडिया से हार गई, लेकिन आज देखें इंडिया ने 110 रन किए हैं और 110 रन को करने नहीं दिया। ठीक है, और 110 रन किए हैं। विराट और रोहित तो शुरू में आउट हो गए थे। इवन मैं आपको बताता चलूं, ये इंडिया पाकिस्तान के लिए नहीं जीता, इंडिया ने स्ट्रीक लगानी है। इंडिया वर्ल्ड कप में अनबीटेबल जा रहे हैं, इंडिया के लिए पाकिस्तान क्या चीज है? आप दोबारा फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच करा लो, इंडिया वन साइड फिर मैच जीत जाएगा। हम अभी तक अपने बाबर और रिजवान पर डिपेंड करते हैं। इंडिया ने बोला हमारे पास अगर विराट और रोहित आउट भी हो जाए ना, हम आपको मैच जीत के दिखाते हैं। सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत भी बहुत अच्छा खेल के गए थे, उसके बाद शिवम डूबे आए हैं। यार सूर्य कुमार यादव T20 का वाकई में बहुत बड़ा प्लेयर है, उसको अगर आप कहोगे 30-35 बोलो के अंदर 100 मार वो तब भी मारेगा, कि अगर फंसा हुआ मैच भी जीतने को बोलोगे ना तभी स्काई आपको मैच जिता के दिखा देगा। देखिए टीम इंडिया वाले क्रिकेट से करते हैं प्यार, वो जीत की तरफ जाते हैं, वो कहते हैं भाई हमें कोई परवाह नहीं, हमने अपने मुल्क के लिए जीतना, अपने मुल्क के लिए ही काम करना है सारा। यार जो आज हमें बॉलिंग देखने को मिली है, आज जो इंडिया ने बॉलिंग की है, यार अर्शदीप वाज ऑन फायर, अर्शदीप वाकई में तबाही मुझे चला गया। पहले ओवर के अंदर से जब 2 विकेट से ली, मैंने कहा यार शदीप की बॉलिंग, बुमराह को आज परेशानी। हाँ। बुमराह तो इजी बॉल करता है, बुमराह कहता है यार शदीप तू विकेट से ले, मैंने नहीं आज लेनी है। यार मैच आसान था, अच्छा एक भाई कह रहे मैच आगे आ जाए, आए क्या मैच आज बहुत इजी था, ये इंडिया के लिए तो इजी था। सर यही टीम पाकिस्तान को हराएगी, 159 का हमने लेवल करके हम हारे हैं मैच उनके साथ। देखिए अमेरिका और इंडिया के अंदर ना बहुत डिफरेंस है, पाकिस्तान के क्रिकेट और अमेरिका के क्रिकेट के अंदर सिमिलरिटीज बहुत है। वो भी पैनिक करती है, ये भी पैनिक करती है, आपने देखा होगा पीछे भी रिसेंट पास में भी पाकिस्तान आयरलैंड से भी हार गई, नेदरलैंड से भी हार गई, जिम्बाब्वे से भी। ठीक है, इंडिया के क्रिकेट और पाकिस्तान के क्रिकेट में बहुत डिफरेंस है सर, ये डिफरेंस देखे ना, अगर हम इंडिया को देखें ना, इंडिया पाकिस्तान इंडिया का नहीं, हम मुकाबला बनता नहीं है कि नहीं, वो तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं सर। आप इंडिया की क्रिकेट देखें, इंडिया कहीं भी खेलने जाती है ना सिवाय ऑस्ट्रेलिया के, वो नहीं प्रेशर देती, वो न्यूजीलैंड से खेल रही हो, वो साउथ अफ्रीका से खेल रही हो, आप न्यूजीलैंड से भी खेलें, आप साउथ अफ्रीका, आप जिम्बाब्वे से खेलें, आप प्रेशर हो जाए। बिल्कुल, आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते पाकिस्तान इंडिया का, उनकी अप्रोच और हमारी अप्रोच में बहुत सर, उनकी सोच पाकिस्तान से बहुत बड़ी है इंडिया की सोच। तो हमारी नंबर वन बॉलिंग, जो कि नंबर वन दुनिया की नंबर वन बॉलिंग, 4 बड़े बॉलर हमने खिलाए थे यूएसए के खिलाफ। ये बाकी देखें, आप जॉश हेजलवुड देखें, ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक देखें, न्यूजीलैंड का देखें, साउथ अफ्रीका का देख लें, इंडिया का देख लें, बिल्कुल टॉप नॉच है ना, सारे अच्छे हैं। अब हम एक हाइप दे ही रहे कि शाहीन अफरीदी, यूं शाहीन अफरीदी नो डाउट अच्छा बॉलर पाकिस्तान के लिए, अच्छा ठीक है, मतलब उसने परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, इट डजंट मीन कि वो इससे अच्छा तो है ही कोई भी नहीं। बिल्कुल, आप अगर देखें बुमराह और अफरीदी के बीच में कंपैरिजन करें तो बुमराह इज फार बेटर, बुमराह तो ठीक है, बुमराह के साथ कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हम अपने बॉलर्स का। पाकिस्तान की टीम बुमराह की किसने किया था, बुमराह ने किया, उसने विकेट ली थी। बुमराह वो कंडीशन ऐसी थी, अब वहाँ पे मोहम्मद आमिर ने भी अच्छी बॉलिंग की, आर एस रफ को टेपिया कहते थे, उसने भी अच्छी, वो कंडीशन ऐसी थी, कंडीशन को अडॉप्ट करना होता है सबसे पहले क्रिकेट, ये नहीं है कि जाएंगे आप 120 बॉल पे 120 नहीं हुआ, आप देखें कंडीशन कैसी थी, जहाँ पे इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप 120 कर रही है, ठीक है, कंडीशन सारी क्रिकेट है ही कंडीशन की, बिल्कुल ऐसे ही है यार, कंडीशन की और प्रेशर की, प्रेशर की भी, प्रेशर जैसे इंडिया ने सस्टेन किया उस दिन, क्या पाकिस्तान थोड़ा सा भी उसके ऊपर थोड़ा सा रिलाई करता, प्रेशर को थोड़ा सा सस्टेन करता, मैं नहीं चीज जानता। हम पाकिस्तानी इतने नाउमीद हो गए अपनी टीम को लेके, बाय गॉड यहां पे हम ये कहने पे मजबूर हैं भाई, हमसे स्ट्रांग टीम हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान की है, इंडिया की है, बांग्लादेश की है, हम तो लाइक मजाक बन गए, सेम एज लाइक इंडिया के लिए कि इंडिया मैच जीते, पाकिस्तान को मौका मिले टॉप 8 में जाने का, सुपर 8 में जाने का। 2011 में जब इंडिया खेलती होती थी तो इंडिया भी सेम एज लाइक पाकिस्तान, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट किया उनके ऊपर,
ठीक है, प्लेयर्स की थोड़ी अप्रोच उनकी बेहतर थी, उन्होंने ऑल ओवर द ग्लोब क्रिकेट खेली। पाकिस्तान की एक हमारी फितरत क्या होती है कि थोड़ा सा घड़े में ज़्यादा पानी आता है, ये फटने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, तो हमारी जब तक अप्रोच नहीं चेंज होगी, हमारी क्रिकेट यही रहेगी। ठीक है, इधर एक तो अब मैं अलग, मैं खुद क्रिकेटर हूँ, ठीक है, और मैं अगर ये बात करूँ ना कि यहाँ पे पाकिस्तान का बाबर आजम है, कोई भी हमारे एक्स क्रिकेटर भी टांगे खींच रहे होते हैं। आप इंडिया के अगर देखेंगे, जो भी सुनील गावस्कर बैठा होगा, कपिल देव बैठा होगा, वो प्रेज करते हैं अपने प्लेयर्स को। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर पाएगा सेमीफाइनल में? सबसे बड़ी बात यह कि दुआ है हमारी कि करे हमारी। अच्छा, लेकिन डिजर्व नहीं करते, डिजर्व नहीं करते, क्योंकि हम किसी भी, क्योंकि पाकिस्तान अगर क्वालिफाई करेगा ना, हम किसी ना किसी टीम की जगह मारेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जैसे ये है, जो हमारी बॉलिंग लाइन अभी जा रही है। 2022 में क्या हुआ कि पाकिस्तान उसे जिम्बाब्वे से हार गया, और सेम हमारी यही बातें थी, यही बातें, वो वर्ल्ड कप फाइनल खेल गई। क्रिकेट बड़ी अनएक्सपेक्टेड है, फुटबॉल बाकी मौका तो प्रोवाइड होता है ना, पाकिस्तान को हमेशा मौके ही मिले हैं, ठीक है, मदद ही मिली है, कभी इंडिया की, कभी किसी और टीम की, ठीक है, पहुंचती है, अपनी हिम्मत भी नहीं जाते पाकिस्तानी। आप देखें कि दो, आपने इंडिया की बात की है, जहाँ पे मैंने इंडिया की तारीफ की, वहाँ पे इंडिया लास्ट 2011 के बाद कौन सा ट्रॉफी का फाइनल जीती, खेला सारा, अपनी कंडीशन में खेलती रही, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेली, दो फाइनल नहीं जीती, दोनों फाइनल हार गए। अपने मुल्क में अच्छा खेलते हैं, बाहर नहीं अच्छा खेलते, बाहर आप देख लेंगे इंडिया नहीं खेलती अच्छा। सर हमसे तो अच्छा खेल रहे हैं ना, पाकिस्तान से तो, पाकिस्तान के आगे बात कीजिए, पाकिस्तान के सामने इंडिया, इंडिया बहुत बड़ी टीम है, जाने इंडिया के, वो ऑब्वियस है, वो ऑब्वियस है, इंडिया अच्छी है, लेकिन ये राइट ऑफ पाकिस्तान को इसलिए नहीं कर सकते कि ऑन द डे ये सबसे अच्छी भी है, और ऑन द डे ये हमारे से भी आ रही है। सर आपको पता है, अगर 2-3 साल बाद हमारे यही बॉलर रिटायर हो जाएंगे ना, हमारे पास कोई पीछे बैकअप प्लान मौजूद नहीं है, हमारे पीएसएल कुछ भी नहीं है, नहीं कहाँ पे है, मुझे बताएं। ये मोहम्मद आमिर लोग, या जिस टाइम मोहम्मद अब्बास आया था, फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास आया, हमने एहसान आदिल को खिलाया, तो उस दौर में लगता था फास्ट बॉलर है ही नहीं, पीछे है ही नहीं। सर आमिर के पास शहीन आया, शहीन के अलावा मुझे कोई ऐसा बॉलर जो विकेट टेकर, हाँ सर हमें बुमराह जैसा बॉलर, मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर, ट्रेंट बोल्ट जैसा बॉलर पैदा करना पड़ेगा अपनी बॉलिंग के लिए। शाहीन अफरीदी अच्छा बॉलर, नसीम शाह अच्छा बॉलर है। सर शहीन अफरीदी पहले 2 ओवर का बॉलर है, उसको आप एक बार एक चक्का लग जाए शहीन को ओवर के अंदर, पैनिक कर देता, वो कहता भाई मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कहाँ बॉल करूं। शहीन की जगह जब वो फखर जमान ने छक्के मारे थे स्टार्क को, अब अगर वो पाकिस्तान का बॉलर छक्के खा ले तो हमने कहा था यार ये बॉलर है, हेजलनट पे नहीं छक्के खाए हैं, कमिंस ने भी खाए हैं। बॉलर्स को ऑन द डे मार भी पड़ती है, एक दिन बुरा होता है क्रिकेट में, एक दिन अच्छा होता है, एक दिन अच्छा होगा ना, आज तक कोई मैच विनर बैट्समैन, मैच विनर बॉलर पैदा नहीं कर पाए आमर के अलावा, एक आमिर आया, एक वसीम अकरम था, इसके अलावा हमारे पास तो अभी तो हम बुमराह 28 साल एज है, 6 साल क्रिकेट वो और खेल सकते हैं। क्रिकेट का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि इंडिया जो विराट कोहली आया, रोहित शर्मा आया, ये किसके हाथ के आए, एम एस धोनी था, राहुल द्रविड था, इनके डेब्यू उस दौर में हुए, सचिन थे, ठीक है, लक्ष्मण थे, और पाकिस्तान में कौन था, अहमद शहजाद, उमर अकमल, ठीक है, तो डिफरेंस देखें ना आप कितना है। और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारी इधर सबसे बड़ा ये जो 4 सूबों का डिफरेंस है ना, अगर रिसेंटली KPK की हुकूमत थी तो पूरी KPK की टीम अंदर थी, 8 प्लेइंग 11 के प्लेयर KPK के 11 में थे, ये खुशदिल शाह लोग हो गए, इफ्तिखार हो गया, ये मोहम्मद आरिफ, ये सारे उधर के ही थे। जब से ये हुकूमत गई अब 3 से 4 प्लेयर, ये हमारे एक तो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, जब ये पॉलिटिक्स दूर हो जाएगी ना क्रिकेट से तो क्रिकेट अच्छी हो जाएगी। वर्ल्ड कप कौन सी टीम जितवा रहे हो आप, कौन सी फेवरेट टीम है? ऑस्ट्रेलिया। दो टीमों के नाम लो कोई भी, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इंडिया अरसलान, आज पाकिस्तान की अवाम की दुआएं रंग ले आई हैं, पाकिस्तान की अवाम दुआएं कर रही थी बड़ी शिद्दत से, ये चाह रही थी कि किस तरह इंडिया जो है वो USA को हरा दे ताकि T20 वर्ल्ड कप में आगे पाकिस्तान के चांसेस बन सकें, क्योंकि US के अगले 2 मैचेस हारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो परफॉर्मेंस रही है अब हम अगर मगर में आ गए हैं कि वो हारेगा तो पाकिस्तान आगे जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे आज इंडिया की जीत पर, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम डिपेंड कर रही थी इंडिया के ऊपर और आज इंडिया हमारी उम्मीदों में पूरा उतर आया। बिल्कुल ऐसी है, देखिए सबसे पहले हमारा वही निज़ाम शुरू, कुदरत का निज़ाम जो होता है वो शुरू हो चुका है, ठीक है ना सब, और उस जिसका जिस तरह आज इंडिया ने जीता है, उन्होंने बताया कि भजन छोटी टीमों से ऐसे जीता जाता है। आयरलैंड को आप देख लें, उन्होंने 93-94 पे ऑल आउट कर दिया था, उनसे भी इजीली मैच जीत लिया, हमसे तो कुछ ज़्यादा ही इजीली मैच जीत लिया, उन्होंने 120 भी नहीं हमें करने दिया। उसके बाद USA को उन्होंने 110 पे जो है 8 आउट करके मेरे ख्याल से इजीली मैच, विराट और रोहित के आउट होने के बावजूद
जो है स्कोर चेज कर दिया। तो ये बड़ी टीमों की निशानी होती है कि यार बड़ी टीमें बनती ही ऐसे हैं कि आपके अगर ऊपर से लीडर नहीं जा रहे तो आप इतनी कैपेबल हो, आपके प्लेयर्स इतने कैपेबल हैं कि आप स्कोर चेज कर सको। अब जिस तरह हमारा बाबर और रिजवान ना चले तो हमारी टीम तो 50 पे ऑल आउट हो जाए। आज विराट और रोहित मेरे ख्याल से 10 पे ऑल आउट हो गए थे। हमने देखा है पिछले मैचेस में भी विराट जो है वो आए हैं ग्राउंड में और वापस चले गए। वो ना असल में अभी विराट की जरूरत नहीं पड़ रही टीम इंडिया को, अभी 100-110 स्कोर जो है वो कुछ नहीं समझ। स्कोर ही नहीं है। जब आगे सुपर 8 के मैचेस आने ना, जब ऑस्ट्रेलिया आनी है, जब न्यूजीलैंड आनी है, जब 160-170 बोर्ड पे लगना है, क्योंकि आज न्यूयॉर्क में आखिरी मैच था और वेस्ट इंडीज शिफ्ट होने लगा है, तो वहां पे जाके जो विकेटें भी स्लो है वहां पर हाई स्कोरिंग मैच होते हैं, तो वहां पर विराट की जरूरत पड़ेगी। फिर विराट अपना आप दिखाएगा कि भाईजान मैं दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन था और मैं हूँ। और हमने देखा है कि जब जब टीम इंडिया फंसी है तो विराट कोहली ने हराया हुआ मैच जितवाया टीम इंडिया। बिल्कुल ऐसी है, हर मुश्किल टाइम से विराट कोहली ने टीम इंडिया को निकालते आ रहे हैं पिछले 14 साल से, ये बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल वही बात है कि अभी टीम इंडिया को जरूरत नहीं पड़ रही। रोहित शर्मा स्टिल जो है विराट के ऊपर कॉन्फिडेंट है, अपने डिसीजन के ऊपर कॉन्फिडेंट है कि मैंने विराट को ओपन करवाना ही करवाना है, क्योंकि उनके पास प्लेयर ऑफ क्वांटिटी भी नीचे से ज्यादा हो जाती है। तो होप फॉर द बेस्ट कि उनका ये डिसीजन जो है आगे सुपर 8 के मैचेस में बेहतरीन साबित हो। अब मुझे ये बताएं कि यूएस का अगला मैच आयरलैंड के साथ है, दोनों टीमों की अगर हम बात करें तो दोनों तकरीबन सेम लेवल की टीम है, और ये भी मैच यूएसए का हारना बहुत ज़रूरी है अगर पाकिस्तान को हम आगे जाते हुए देखना चाहते हैं। तो क्या लगता है पाकिस्तान के कोई चांसेस हैं आगे जाने के? मैं आपको बताऊं, कुदरत का निज़ाम जो है ना हमेशा से हमारे साथ रहा है। नेदरलैंड ने पिछली दफ़ा आपको पता साउथ अफ्रीका को हरा दिया था और जो है हम लोग क्वालिफाई कर गए थे, वरना इंडिया ने क्वालिफाई करना था। तो यहाँ से आप देख लेंगे अगर कुदरत का निज़ाम चला तो आयरलैंड जो कि अभी तक एक मैच भी नहीं जीती वो यूएसए को हरा देगी। अगर कुदरत का निज़ाम ना चला तो हो सकता है हम भी आयरलैंड से हार जाए, ठीक है। डिपेंड करता है कि मेरे ख्याल से इस टाइम में यूएसए स्ट्रॉन्ग है थोड़ी सी आयरलैंड से, लेकिन वही बात कुदरत का निज़ाम चलेगा तो हम जो है उम्मीद रख सकते हैं। तक कुदरत के निज़ाम पर हमने डिपेंड करना है, हमने खुद नहीं खेलना। हमारी टीम ही ऐसी है, हम लोग नहीं खेल सकते उस लेवल पे, क्रिकेट नहीं खेल सकते जिस लेवल पे इंडिया क्रिकेट खेल रहा है इस टाइम। हम उस लेवल पे ऑस्ट्रेलिया के लेवल पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे हालांकि आज ही उनके मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देख रहा था, अब यकीन माने बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और रिजवान 50-50 लाख रुपया महीना सैलरी लेते हैं। उसके बाद जो बी कैटेगरी के प्लेयर हैं वो 40-45 लाख रुपया पर मंथ सैलरी लेते हैं जो बी कैटेगरी के प्लेयर हैं। तो आप उनके ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बावजूद वो आपको परफॉर्म नहीं करके दे रहे, तो यार आप नए टैलेंट को प्रमोट करो। वही पुराने लड़के, वही पुराने बाबे जो T20 क्रिकेट में खिलाए जा रहे हैं, इरफान खान न्याजी गया हुआ है, उसको चांस है, जो मिडिल ऑर्डर का तगड़ा बैट्समैन है। तो हम लोग नहीं चेंज हो सकते, हमारा ऐसे ही आ रहा है ना। हमाद, आज पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की दुआएं रंग ले आई। पाकिस्तान क्योंकि आपको पता है अगर मगर और दुआओं पर की डगर पर चल पड़ा है। हम लोग चाह रहे थे कि किसी तरह इंडिया जो है वो यूएसए को हरा दे ताकि पाकिस्तान के आगे T20 वर्ल्ड कप में जगह बन सके। वही हुआ, इंडिया ने हमारा मान रखा, हमारा पास रखा, हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरा और यूएसए को आज बुरी तरह उन्होंने हरा दिया है, मात दी है। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की जीत पर? देखिए डेफिनेटली नो डाउट कि इंडिया ने भाई हमारे बदले सारे इंडिया ले रहा है। हम आयरलैंड से हारे तो इंडिया ने आयरलैंड को हरा दिया, हम यूएसए से हारे इंडिया ने यूएसए को हरा दिया। मतलब जिस तरीके की आज भी इंडिया की परफॉर्मेंस रही है यार, स्पेशली हर्षदीप सिंह वो लड़का जैसे बॉल कर रहा है भाई, 4 ओवर में 9 रन और 4 विकेट्स, और साथ में पांड्या जिसको इतना बदनाम किया गया लेकिन भाई जब टीम के लिए खेलने की बात आई तो वो टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आ रहा है। मतलब नो डाउट कि ओवरऑल आज टीम इंडिया की जानब से बड़ी तगड़ी परफॉर्मेंस है। हाँ थोड़ा सा एक रिग्रेट है कि यार किंग जो है वो डक पे, गोल्डन डक पे बल्कि आउट हो गया पहली बॉल पे 0, तो वो एक थोड़ा सा रिग्रेट है। अगर अदरवाइज अगर विराट फॉर्म में आ जाता है तो भाई साहब फिर ये टीम बड़ी तगड़ी है। आपने कहा कि पाकिस्तान का फायदा, नो डाउट हमेशा ही इंडिया की विन से पाकिस्तान को फायदा होता है। 2019 में हम देख लें, 2021 के वर्ल्ड कप में देख लें, बेशक आज देख लें, तो हम तो वो टीम बन गए हैं जो अपने सर पर आगे जा नहीं सकते, ठीक है। हमने सहारे ढूंढने हैं, कभी इसका कंधा कभी उसका कंधा, तो इस दफा इंडिया का कंधा हम तलाश कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अब पाकिस्तान को इस T20 वर्ल्ड कप में बने रहने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए यूएसए को आयरलैंड से हारना भी ज़रूरी है, क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि दोनों टीमें जो हैं वो मतवाजन टीमें हैं, दोनों एक ही लेवल की टीमें हैं। देखिए डेफिनेटली बात है, अगर आपने सुपर 8 के क्वालिफाई करना है तो भाई कोई एक आधा मैच खुद भी जीतो और फिर बैठ के कुदरत के निज़ाम का वेट करो। और अगर हम बात करें जनरली तो पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करता आगे जाना, यूएसए ने हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेली है। अगर बात करें दूसरी साइड से इंडिया की या यूएसए की इवन बात करने की, इंडिया तो हमारे
ग्रुप से क्वालिफाई करके ऑलरेडी। अब रह गया पीछे यूएसए की बात, आयरलैंड और यूएसए पे अगर देखें तो ओन कार्ड आयरलैंड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वर्ल्ड कप में जो बेहतर फॉर्म है वो यूएसए की चल रही है, तो मुझे डेंजर लग रहा है कि पाकिस्तान टॉप 8 से बाहर होता नजर आ रहा है। अगर हम बात करें टीम इंडिया की परफॉर्मेंस की, तो अभी 3 मैचेस उनके हुए हैं और तीनों के तीनों इंडिया ने बड़ी अच्छी जो है परफॉर्मेंस के साथ विन किए हैं। पिछले वर्ल्ड कप की बात करें तो उनका 10/10 का एक मतलब जारी रहा तसलसल। अब क्या लगता है, क्या इंडिया इसी तरह अनबीटेबल फाइनल तक पहुंच पाएगी? देखिए डेफिनेटली लग रहा है, जिस तरीके से इसको रोकेगा कौन। अब देखिए दूसरे ग्रुप्स की बात करें, न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट आउट हो गया, आज वेस्ट इंडीज से उसका मैच है, अगर हार जाता है न्यूजीलैंड तो न्यूजीलैंड बाहर है। इसके बाद अगर बात करें इंग्लैंड ऑलमोस्ट बाहर हो गया, स्कॉटलैंड अगर जीता है तो इंग्लैंड भी, तो मतलब बड़ा जो कंपटीशन है वो एलिमिनेट हो रहा है, छोटी छोटी टीम्स आगे जा रही हैं। तो इंडिया के सामने तो खैर बड़ी टीम आई छोटी है उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया का प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा कि यार बड़ी टीम्स बाहर हो गई हैं। और डेफिनेट बात है कि स्ट्रीक इंडिया की बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, एशिया कप से लेकर एक आधा मैच हारना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो स्ट्रीक ही ऑलमोस्ट स्ट्रीक ही उनकी चल रही है। और इस दफा मुझे लग रहा है कि फाइनल में जाएंगे और मे भी विन कर सकें, क्योंकि इस दफ़ा रोहित और विराट का लास्ट वर्ल्ड कप है, तो जाते जाते उनको कोई ट्रिब्यूट तो पेश करना है ना।